Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Paragraph writing and election scene, जो कि इस वर्ष के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, चाहे ये पैराग्राफ में हो, एस्से में हो, या सीन आपको बताना है, रिपोर्ट राइटिंग हो, तो आप इसकी सहायता से फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. शॉर्ट एसे एंड इलेक्शन सीन. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है लोकतांत्रिक और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र. तो लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है. इलेक्शन इज अ बैकबोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी. और किसी भी लोकतंत्र के लिए रीढ़ की हड्डी होता है. बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी लोकतंत्र के लिए. इलेक्शन होता है, चुनाव होता है. पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव वे स्वयं करते हैं. All grown-up citizens above 18 years age have right to vote. It is their duty to. तो right to vote, यह उनका अधिकार है कि वो मतदान अपना दे सकते हैं. It is their duty to, यह उनका जो है कर्तव्य भी है. इस टू टी डबल ओ टू का मतलब होता है भी, कर्तव्य भी है. लास्ट मंथ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड. पिछले महीने विधानसभा चुनाव हुए. माय स्कूल वाज आल्सो वन ऑफ द पोलिंग बूथ. पोलिंग बूथ जहां पर वोटिंग होती है, वो जो स्टेशन हम बनाते हैं निर्वाचन, जो जहां पर मतदान केंद्र बनता है, वो पोलिंग बूथ होता है. आई आल्सो वेंट देयर विद माय मदर. और मैं भी अपनी माता जी के साथ वहां पे गया. अ हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड सो एज पीपल कुड कम एंड वोट. एक हॉलीडे, हॉलीडे यानी कि अवकाश घोषित किया गया. अ हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड. क्यों किया गया? तो क्यों के लिए, क्योंकि, सो एज. तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं वाक्यों को जोड़ने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं. सो एज, क्योंकि, बिकॉज, जिससे कि, क्योंकि, ठीक है. तो इस तरीके के शब्दों को आपको ज्ञान में रखना है. People could come and vote. The voting started at 7 a.m. प्रातःकाल वोटिंग स्टार्ट हो गई. We went there by 9 a.m. मैं अपनी माता जी के साथ वहाँ पर 9 बजे लगभग गया. Outside the polling rooms there were different tents. बाहर की तरफ अलग अलग टेंट लगे हुए थे. Representatives, representatives का अर्थ होता है प्रतिनिधि. Of different candidates were there to see only the genuine people voted. अब जब इलेक्शंस होते हैं तो बाहर टेंट्स लगा दिए जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट कैंडिडेट्स जो मतदान निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं, उनके प्रतिनिधि वहाँ बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि वास्तविक रूप से जो उस एरिया के व्यक्ति हैं वही वोट कर रहे हैं, कहीं फर्जी वोट तो नहीं डल रहे. दे वर सर्चिंग देयर नेम्स इन इलेक्टोरल लिस्ट एंड टेलिंग देम देयर पोलिंग रूम नंबर. अब एक मतदान केंद्र पर तीन या चार, कभी दो जो है कमरों में मतदान हो रहा होता है, तो बाहर उस लिस्ट में नाम चेक होता है, उसके बाद उस व्यक्ति को उस कमरे में भेज दिया जाता है. देयर वर लॉन्ग क्यूज ऑफ वोटर्स आउटसाइड द रूम. क्यूज का मतलब होता है पंक्तियां, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी वहां पे कमरों के बाहर. People were discussing who would win. अब जब लोग खड़े हैं तो वो बातचीत कर रहे हैं और वो किस बारे में बात कर रहे हैं, who would win, कि कौन जीतेगा. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लंबी पंक्तियाँ बनी हैं, इन्हें हम क्यू कहते हैं. The rooms had placards showing entrance and exit. प्लकार्ड्स होता है जो कि आपके कमरों के बाहर आप छोटे छोटे तख्तियाँ आप लगा देते हैं. इस तरीके से तख्ती लगी रहती है और उसके ऊपर एंट्रेंस और एक तरफ में एग्जिट लिखा था. एंट्रेंस का अर्थ होता है प्रवेश और एग्जिट का मतलब होता है प्रस्थान, यानी एक तरफ से व्यक्ति अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से यहाँ पर वोट वगैरह करके दूसरी तरफ से वो बाहर आ जाएगा.
The voters had to show their voter ID cards to the security guards. There were election officers and some other workers in the room. अब वहाँ पे वोट देने के लिए आपको अपना वोटर आईडी कार्ड चेक कराना पड़ता है. वहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे कर्मचारी होते हैं. A mark with an indelible ink on the left hand was being marked after checking their names in the list. और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं अंगली पे जो स्याही का निशान बना दिया जाता है, इनडेलीबल, जो कि हटता नहीं है जल्दी से, वो निशान बना दिया जाता है. और यहाँ पे आप ये वोटर आईडी देख सकते हैं. तो हमें अपना वोटर आईडी और अंगली पे निशान बनवाना होता है, वोटर आईडी चेक करवाना होता है. आफ्टर दिस ईच वोटर हैड टू वोट ऑन द ईवीएम मशीन. उसके बाद प्रत्येक जो वोटर है वो ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट दे रहा था. इट वॉज कवर्ड, वह ढकी हुई थी, सो दैट अदर्स माइट नॉट सी होम द पर्सन इज वोटिंग, जिससे कि दूसरे व्यक्ति देख नहीं सकें कि हमने किसको वोट दिया है. ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से मशीन को अंदर ढक करके रखा गया है. द मशीन गेव द बीप साउंड, मशीन एक बीप साउंड प्रोड्यूस करती है, पी पी इस तरीके की आवाज़ प्रोड्यूस करती है. इट मेंट, जिसका अर्थ है द वोटर हैड वोटेड सक्सेसफुली, कि वोटर ने सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक अपना वोट दे दिया है. माई मदर ऑल्सो वोटेड सक्सेसफुली, मेरी माँ ने भी सफलतापूर्वक अपना मतदान किया. शी वॉज सो हैप्पी टू यूज़ हर राइट टू वोट फॉर द राइट कैंडिडेट. अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने इस राइट का प्रयोग किया. यहाँ पे राइट मतलब अधिकार, जो मतदान का अधिकार है वो, और यहाँ पे राइट का मतलब है सही, जो सही कैंडिडेट है उसको हम उन्होंने अपना मतदान दिया. द हेल्पर्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स वर ब्रिंगिंग वोटर्स टू द पोलिंग बूथ सो दैट दे माइट वोट इन फेवर. फेवर का अर्थ होता है पक्ष ऑफ देयर कैंडिडेट. जिस कैंडिडेट की सहायता के लिए वो वहाँ पे खड़े थे, लोगों को बता रहे थे उनका पोलिंग कमरा, इलेक्टोरल लिस्ट में वो लोग चेक करते हैं, और कुछ लोग बाहर से लोगों को ले करके भी आ रहे थे जिससे कि वो उनके फेवर में मतदान कर सकें. इट वॉज़ वेरी नॉइजी एंड क्राउडेड देयर. नॉइजी मतलब शोर होना, क्राउडेड मतलब भीड़ होना. वहाँ पर बहुत नॉइजी और क्राउडेड था, भीड़ थी. बट ऑल द पोलिंग प्रोसेस वॉज बींग हेल्ड इन अ फेयर एंड फियरलेस एटमोसफियर. और फेयर मतलब निष्पक्ष और फियरलेस मतलब निडर. बिना किसी डर के सभी लोग अपने मतदान जो अधिकार का प्रयोग कर रहे थे. इट वॉज अ नॉवल एंड अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. यह मेरे लिए एक बहुत ही नया, नॉवल मतलब नया, एंड प्लीजेंट बहुत ही अच्छा अनुभव था. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड डू शेयर. थैंक यू.